कोई राजनीतिक दल ये ट्रेनिंग नहीं देता होगा कि क्या भाषा हो आपकी। जो लोग भारत की संस्कृति के बारे में दावा करते थे कि भारत की संस्कृति और उसको बढ़ाने का प्रचार करने का हमारा ही दावा है, हम ही हैं वो दल, सोचो उस दल के लोगों की भाषा क्या है। अभी कल ही भाषा क्या थी, ये तो जमाना बहुत अच्छा है, ये डिजिटल जमाना है, एक बार जो बात बोल दी वो रिकॉर्ड पे चली जाएगी, पुराने जमाने जैसा जमाना नहीं है। उसी महिला विधायक ने कभी समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा है, जरा गूगल पे देख लीजिए या यूट्यूब पे कभी सुन लीजिए उनका। हम समाजवादी लोग उन चीजों को निकाल करके हम भी शिकायत भेजेंगे कि देखो इनकी भाषा कैसी है। ये भाषा राजनीति में ऐसी गिर जाएगी, इसलिए जनता अब तय करेगी आने वाले समय में। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय मायावती जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, कोई राजनीति में ये भाषा इस्तेमाल करेगा? ये वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है उन्हें, इसलिए क्योंकि 4.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो काम पे तो भाषण होंगे नहीं, अगर काम किया होता तो शायद काम पे भाषण होते।